नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। आज जो विषय हम लेकर आए हैं, जो टॉपिक लेकर आए हैं, वो वोकैब से ही है और वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीपीओ के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, आपका सीडीएस है, एनडीए है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का है, प्लस दिल्ली सब इंस्पेक्टर का है, उन सब एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं। तो इसी संदर्भ पर हम लोग आज ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे कि हमने कैसे याद करना है। आज का टॉपिक रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया। और आज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया है कि जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं, उन वर्ड्स को हमने कलेक्ट किए हैं, कंपाइल किए हैं आप लोगों के लिए, और इस पे एक पैटर्न देखेंगे। वो पैटर्न मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप वर्ड्स देखिए, आपको खुद ब खुद शायद पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न पे हमने बनाया है, और ये आसान तरीका होगा आपको उस पैटर्न से याद करने का। दूसरा नंबर, इसे याद करने का एक और तरीका बताऊंगा, आप सिर्फ दो या तीन बार रिवाइज करिएगा, कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। करना इतना है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो का पीडीएफ नहीं डालूंगा, पर हाँ, दूसरा वीडियो और बनेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो वहां पर सारा कंपाइल करके एक पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, जिससे आपको याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा। और उसमें नियर अबाउट 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे जो हमने आपके लिए कंपाइल किए हुए हैं। तो प्लीज पूरे फोकस के साथ बैठिए और आगे समझते हैं। देखिए, पहला कलर ले लेते हैं, क्योंकि कलर के बगैर तो समझ में आता नहीं है मेरे को। ये आज ले लेते हैं ब्लू कलर। चलिए जी, ऑल ट्विस्ट, इसका मतलब क्या है आपने इसे याद करना है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा और इंग्लिश मीनिंग भी बताता रहूंगा, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, ठीक है। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर। इसे याद करने का तरीका यह है कि आप इसे तोड़ दीजिए, ऑल मतलब ये समझिए सबके लिए या पूरा। देखिए, एक्चुअल मीनिंग नहीं होगा, बट याद करने के पैटर्न के लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि हमें खुद ही नया पैटर्न ढूंढना पड़ता है, खुद आविष्कार करना पड़ता है जी, हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्विस्ट, तो इसका मतलब समझ लीजिए अनसेल्फलेसली, तो ये मतलब बनता है आपका अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, यानी परोपकारी, जो औरों के ऊपर उपकार करता हो। आर्बिट्रेटर, इससे सीधा याद रखिए कैसे, एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, किसी विवाद को सेटल करने के लिए जब एक इंडिपेंडेंट आदमी का या किसी बॉडी ऑफिशियली अपॉइंट होती है तो उनको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। एग्जाम्पल, गांव से ले लीजिए, पंच होते हैं, कोर्ट में आ जाइए जज होते हैं, गेम में आ जाइए रेफरी होता है, क्रिकेट में आ जाइए अंपायर होता है, तो वो आर्बिट्रेटर है, ठीक है। एथिस्ट, मैंने बताया था ए लग गया तो मतलब ना, थेस्ट माने जो गॉड पे भरोसा करता है, ईश्वर पे भरोसा करता है, ए लग गया तो जो भरोसा नहीं करता है, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो माने खुद का बताया था, स्वचलित बताया था आपको, ऑटो रिक्शा से याद कर लीजिए, ठीक है। तो बायोग्राफी, जीवन के बारे में लिखा हुआ, और जब खुद लिखा जाता है तो उसे आत्मकथा बोलते हैं। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, खुद ही लिखा हुआ। ऑटोक्रैट, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऐसा शासक जो खुद ही शासन कर रहा हो और शासन काल में किसी से परामर्श न करता हो, उसे स्वेच्छाचारी
शासक या अनियंत्रित शासक भी बोलते हैं, ऑटोक्रेट। जब हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किया था तो वहां पे हमने ऑटो का मीनिंग समझा था, वहां से सीधा क्लियर हो जाता है आपको, ठीक है, कि क्या आएगा यहां पर। अभी तक फर्स्ट स्लाइड से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा पैटर्न क्या है। पैटर्न है पर्सन, पैटर्न क्या बनाया हमने, पर्सन व्यक्ति। यानी आज हम इस चैप्टर में पूरा वो पढ़ेंगे जो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा होगा। जैसे कोई व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता वो एथेस्ट हो गया, कोई व्यक्ति जिसे अपॉइंट किया जाता है डिस्प्यूट को सुलटाने के लिए, सुलझाने के लिए आर्बिट्रेटर हो गया, कोई व्यक्ति जो अपनी खुद आत्मकथा लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, देखिए, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, वो आदमी जो किताबों से प्यार करता है प्लस साथ में किताबें जमा करता है। कुछ यहां से समझिए कि बिब्ली, यहां से समझिए बाइबल को याद कर लीजिए, जो क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ है वो एक पुस्तक है, तो ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा, पुस्तक से। ऐसे याद करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। बिगॉट, अ पर्सन अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, इसका मतलब ये होता है बिगॉट, या इसे फैनेटिक भी बोलते हैं इंग्लिश में, सिनोनिम्स इसका फैनेटिक भी है। कट्टर व्यक्ति या धर्म में अंधा हुआ हुआ, जो बिल्कुल कट्टर समाज के होते हैं, जो फैनेटिक होते हैं, ठीक है, उन्हें बिगॉट बोला जाता है। बायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, ऑटोबायोग्राफी में आदमी खुद लिखता है आत्मकथा, और बायोग्राफी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में जीवनी लिखी जाती है, और जीवन वृत्तांत भी बोलते हैं इसे। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन आता था एक, अगर आपने देखा होगा, कॉस्मो कॉस्मिक से याद करिए, जैसे पूरा ब्रह्मांड होता है, ठीक है, वैसे ही ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना ही देश समझता है उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, सर्वदेशीय विश्ववादी। क्यूरेटर, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, यानी जो संग्रहालय होते हैं जहां पर संग्रह किया जाता है पुरानी चीजों का, उसका जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, इंचार्ज होता है, उसे क्यूरेटर बोला जाता है। डेथ रेटल, डेथ रेटल का मतलब होता है मरने के समय की धचकी, यानी अ गर्गलिंग साउंड समटाइम्स हियर इन अ डाइंग पर्सन्स थ्रॉट। गर्गलिंग साउंड कहां से होता है, ऑब्वियसली गले से ही होगा, स्वर गले से निकलता है। डेथ माने मरते समय, रेटल माने ये समझ लीजिए कि मृत्यु के समय में जो आवाज निकलती है उसको धचकी, उसे बोला जाता है। डेप्टर, इसका सिंपल फंडा है याद करने का, डेप्ट माने कर्जा। अ पर्सन हु ओज मनी टू समबडी, देनदार, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। डोमिसाइल, अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, जिसे हिंदी में अधिवास भी बोला जाता है। आपकी डोमिसाइल कहाँ है, जब आप फॉर्म भरते हैं एग्जाम देने का तो कई फॉर्म में ऐसा होता है कि आपसे डोमिसाइल पूछा जाता है, और आप उस पर अपने जन्म स्थान का या जहां आप रह रहे हैं परमानेंटली वहां का एड्रेस लिखते हैं, वो डोमिसाइल हो गया। और कई सेनाओं की भर्तियों में डोमिसाइल प्रस्तुत करना पड़ता है, तो इससे डोमिसाइल आपको याद हो जाएगा। ईसेंट्रिक, अ पर्सन विद अ अनयूजुअल और अबनॉर्मल बिहेवियर, जिसे सनकी, विलक्षण, झक्की, केंद्र भ्रष्ट भी बोला जा सकता है हिंदी में। और ईसेंट्रिक आप ये समझ लीजिए कि एक टाइप से सेल्फिशनेस होती है, जो मनुष्य सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता रहता है। अब आ जाइए, 15वां वर्ड है एपिलेप्सी, अ डिजीज दैट कॉजेज अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस। मैंने बताया था फिट्स आते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में एक दो एग्जाम्पल मैंने फिट्स से जोड़े थे, क्योंकि मुझे पता था ये वर्ड आगे आएगा और आपको याद करने में सुविधा होगी।
जिसे मिर्गी का रोग बोलते हैं उसे एपिलेप्सी बोला जाता है। एपिटैप अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन अ मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड स्पेशली एज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन। मतलब समाधि लेख जहाँ पे किसी की समाधि बनाई जाती है और उस समाधि के ऊपर कुछ वर्ड लिखे जाते हैं। जैसे याद कर लीजिए महात्मा गांधी जी ने मरते हुए क्या कहा था, है राम। अब अगर महात्मा गांधी जी की समाधि बनती है तो उस पर लोग याद करने के लिए हे राम लिख सकते हैं, तो वो बन जाएगा एपिटैप। फ्यूजिटिव अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, जिसे हम भगोड़ा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसे फ्यूजिटिव की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने दिया था किस सेंटेंस के लिए, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। अब आ जाइए ग्रीन हॉर्न, अ पर्सन हु इज न्यू टू और इनएक्सपीरियंस्ड एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी मूर्ख युवा या नया सीखा हुआ व्यक्ति जिस ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसे ग्रीन हॉर्न बोला जाता है, ठीक है। आगे आइए हॉकर, हॉकर का मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग द थिंग। फेरी वाला हो गया, रेडी वाला हो गया, जो आदमी जगह जगह जाकर अपने माल को बेचता है वो हॉकर होता है। फेरी वाले को हॉकर बोलते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले आते हैं वो हॉकर हो गए, ठीक है। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर। देखिए पोस्टर होता है किसी की फोटो, यहां से याद कर लीजिए। इम्पोस्टर माने किसी ने मुखौटा लगा रखा है, ये समझ लीजिए, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो व्यक्ति जिसने मुखौटा लगा रखा है वैसा वो है नहीं, पर वो किसी को धोखा देने के लिए ऐसा बिहेव करता है कि वो ऐसा है, अच्छा है या विद्वान है या धनी है या बोला हुआ मानता है, कुछ भी ऐसा समझ लीजिए। दूसरे को डिसीव माने धोखा देना। पोस्टर से आपको पता चल गया जी पोस्टर में तो एक्चुअल फोटो लगी होती है, अब उस पोस्टर में बनावटी चीज लगा दी तो, यानी मुखौटा लगा दिया, तो वो इम्पोस्टर हो गया। ऐसे याद करने के लिए समझा रहा हूं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी। जिल्ट अ पर्सन स्पेशली अ वुमेन हु कैप्रेशियसली रिजेक्ट अ लवर, यानी बेवफा। ये तो आप लोगों को याद ही हो जाएगा, आजकल बहुत गाने चल रहे हैं। बेवफा फिल्म आई थी वो भी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो जिल्त या जिल्लत से समझ लीजिए कि भैया उसकी महबूबा ने उसे छोड़ दिया तो वो जिल्लत फील करने लगा। ऐसे अगर याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महबूबा ने छोड़ दिया तो महबूबा क्या हो गई, बेवफा हो गई। अब जिल्त, जिल्लत से जिल्त, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। आप लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है। जिसे बुरा लगता है प्लीज डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि जो इस वीडियो को देख रहा है उसे ये चीज समझ में आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए और एग्जाम में उसके पूरे मार्क्स आने चाहिए। जुवेनाइल अ यंग पर्सन, बेसिकली नाबालिग को जो 18 साल से छोटे होते हैं उन्हें जुवेनाइल बोला जाता है, किशोर अवस्था में जो होते हैं। इसे याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जुवेनाइल का मतलब हो गया अ यंग पर्सन। जुवेनाइल कोर्ट आपने सुना होगा, जहां पर जुवेनाइल कोर्ट में क्या होता है, जहां पर 18 वर्ष से कम अगर कोई क्राइम करता है तो उसका केस वहां पर चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से याद हो जाएगी जुवेनाइल। किंग पिन यानी सरगना या हेड, ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। तो जस्ट अ मिनट, यस ओके। पर्सन हु कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी इज जुवेनाइल, राइट। फिर आ जाइए लेमन, लेमन क्या होता है, जो पर्सन एक्सपर्ट नहीं होता है,
उसको लेमन बोला जाता है। साधारण व्यक्ति, अविजन, अविज्ञजन या जन साधारण को लेमन बोला जाता है। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब लिंग्विस्ट लैंग्वेज से ये डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है जिसे भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान हो। अ पर्सन स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, कई भाषा का ज्ञान हो, उसे भाषाविद भी बोला जाता है हिंदी में। आगे देखिए, मैजिस्ट्रेट, ये तो सबको पता है जी, मैजिस्ट्रेट क्या होता है, न्यायाधीश, द पर्सन हु पनिशेज दोज हु ब्रेक द लॉ, नियम कानून कायदे को जो तोड़ता है और उन्हें सजा देता है। मेमेंटो, एन ऑब्जेक्ट kept as a reminder of a person or event, स्मृति चिन्ह बोलते हैं memento, तो इसको याद करना बहुत आसान है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनर्स, जो माइंड में काम करते हैं, साफ सबसे पता चल रहा है, अ पर्सन वर्क्स इन अ माइंड, खान में काम करने वाला। मिसैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। मिसैंथ्रोपिस्ट उसे बोलते हैं जो मानव द्वेषी होता है और उसे सोसाइटी से नफरत होती है, मानव से नफरत होती है, ठीक है। मिसोगाइनिस्ट, अब गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती है वो लेडीज को चेक करती है, ऐसे याद करें। मिसोगाइनिस्ट यानी उसे पसंद नहीं करता, मिसो माने पसंद ना करना समझ लीजिए, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अ पर्सन हु डिसलाइक या डिस्पाइजेज और इज स्ट्रांगली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन, स्त्री द्वेषी, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, वैसे बहुत कम लोग होते हैं, राइट। अब आ जाइए नोटरी, नोटरी के पास तो हर कोई जाता है जी सत्यापित करवाने के लिए फॉर्म या किसी डॉक्यूमेंट को, कोर्ट में बैठता है नोटरी, ये तो आपको पता ही है। अ पर्सन ऑथराइज टू परफॉर्म सर्टन लीगल फॉर्मेलिटीज, ये बोला जाता है। लिखे प्रमाणक, जिसे हिंदी में बोला जाता है। आगे आइए और देखते रहिए, आज हम पूरे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्सन के बारे में, कि इस पर्सन को क्या बोला जाता है या इस पर्सन ने ऐसा किया तो उसे क्या बोला जाएगा। ऑर्थोडॉक्स, इसका मतलब सीधा आप यहां से समझिए, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन होता है? अ पर्सन फॉलोइंग और कन्फॉर्मिंग टू द ट्रेडिशनल और जनरली एक्सेप्टेड रूल्स और बिलीफ ऑफ रिलीजन, फिलोसफी और प्रैक्टिस। जो पुरानी विचारधाराओं के होते हैं, जिन विचारधाराओं में कोई सत्य नहीं होता है, सच्चाई नहीं होती है, जिनकी क्लैरिटी भी नहीं होती है, पर उनको वो बड़े जी जान से मानते हैं, उनको आप ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को, यानी रूढ़िवादी व्यक्ति है। रेक्ल्यूज, जो अकेला रहना पसंद करता है। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड सोशल एक्टिविटीज, वैरागी, ठीक है। रिफ्यूजी, सभी ने देखी थी अभिषेक बच्चन की पिक्चर जी रिफ्यूजी, अब वहां से याद कर लीजिए। अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री इन ऑर्डर टू एस्केप वॉर, पर्सिक्यूशन और नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पे तीन संदर्भ दिखाए जा रहे हैं। रिफ्यूजी वो होता है अगर किसी देश में लड़ाई छिड़ी हुई है, वहां सर्वाइव करना, रहना, खाना पीना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, तो एक देश से उठ के दूसरे देश में दौड़ के आ जाते हैं, या वहां के राजाओं ने या वहां की सरकार ने उसे सजा देना हो, दंड देना हो, पर वो व्यक्ति सही होता है और दूसरी कंट्री, दूसरा देश उन्हें रखने के लिए तैयार होता है, तो वहां से दंड से बचने के लिए दूसरी कंट्री में आ जाते हैं, तो वो वहां पर रिफ्यूजी हो जाते हैं। और नेचुरल डिजास्टर, अगर कहीं पे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जो संभल ही नहीं रही हैं, तो उस देश में न रह के दूसरे देश में चले जाते हैं, उनको शरणार्थी भी बोलते हैं। जैसे याद करने के लिए आप याद कर लीजिए कि चाइना के कहर के कारण तिब्बत से दलाई लामा जी इंडिया आए थे शरणार्थी बन के, पर वो एक लर्नेड पर्सन है। और ऐसे ही कई तिब्बतियंस लोग इंडिया आके बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो रिफ्यूजी हैं। तो अब आप रिफ्यूजी को नहीं भूलेंगे, ठीक है। सैनेटोरियम, एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर कन्वालेसिंग और हैव अ क्रॉनिक इलनेस, हिंदी में इसे सत्यगा बोला जाता है। अब देखिए कन्वालेसिंग पीरियड क्या होता है, ये भी आता है
एग्जाम में ये आया था कन्वलेसिंग पीरियड के ऊपर। तो कन्वलेसिंग वो टाइम पीरियड होता है जब आदमी बीमारी से ठीक होकर अपने हेल्थ को रिगेन कर रहा होता है, मतलब बीमारी का इलाज तो हो गया पर वो इतना कमजोर है कि अभी उसे आराम करके रिकवर होना है। रिकवरिंग प्रोसेस है थ्रू द इलनेस, क्रॉनिक इलनेस, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में जब शायद मैं आपको नाउन या प्रोनाउन करा रहा था तो वहां पर क्रॉनिक इलनेस और सिकनेस के ऊपर कुछ बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो सारे वीडियो देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको रिवीजन की जरूरत है और रिवीजन जरूर करिएगा। स्कैवेंजर्स, अब देखिए स्कैवेंजर्स में काफी डिटेलिंग है, ठीक है। अगर आदमी के संदर्भ में बात करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, द पर्सन हु कीप्स स्ट्रीट क्लीन। स्कैवेंजर्स उन्हें भी बोला जाता है जो मेहतर होते हैं, ठीक है, जो गलियों की सफाइयां करता है। बट स्कैवेंजर्स यहाँ पे दूसरे संदर्भ में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो जानवर जो डेड बॉडी या ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जिसके कारण सफाई रहती है। जनरली नॉर्मली ये कार्निवोरस एनिमल होते हैं, फीडिंग ऑन द कैरियन। कार्निवोरस यानी मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। एग्जाम्पल है वल्चर, गिद्ध, ये स्कैवेंजर है क्योंकि ये मरे हुए जानवर खाता है, वातावरण को शुद्ध रखने में हमारी हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो हर्बीवोरस फीडिंग बिहेवियर। स्कैवेंजर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग डेड एनिमल एंड प्लांट मटीरियल। ये आपको बता दिया मैंने आपको, आई होप इट इज क्लियर। साइकोफेन, ठीक है, अ पर्सन हु ट्राइज टू विन फेवर बाय फ्लैटरिंग अदर। चापलूस, जो चापलूसी करता है, इसमें तो ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करना, तो इस टाइप के व्यक्ति को बोला जाता है साइकोफेन। टीटो टेलर, जो बिल्कुल मदिरा पान नहीं करता है, शराब नहीं पीता है या त्याग कर चुका है, उसे टीटो टेलर बोला जाता है। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल। टर्नकीज, टर्नकीज जेल की चाबी रखने वाले को बोला जाता है। अ पर्सन हु हैज अ चार्ज ऑफ द कीज ऑफ अ प्रिजन, याद कर लीजिएगा, उस व्यक्ति को बोला जाता है जो प्रिजन जेल कारागर की चाबियां को संभाल के रखता है। वेगाबॉन, अ पर्सन हु लिव्स इन वेंडरिंग लाइफ, मतलब वेंडरिंग लाइफ जो अस्थिर है, भटकता हुआ जीवन जीने वाले व्यक्ति को वेगाबॉन्ड बोला जाता है। दोस्तों कैसा लग रहा है आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आज हमने पर्संस के ऊपर लगभग कंप्लीट कर लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट 42 वर्ड्स थे। कल और वीडियो बनेगा जिसमें और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया जाएगा, प्लस साथ में इनका और उस वीडियो का वर्ड्स क्लब करके एक पीडीएफ फाइल बनाऊंगा जो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जू फाइल, अ पर्सन हु लव्स एनिमल्स, याद करने का सिंपल तरीका, जू यानी जहां पे जानवर होते हैं, फाइल माने लव समझ लीजिए, जो जानवरों को प्यार करता है, जो आदमी जानवरों को प्यार करता है उसे जूफाइल बोला जाता है। एक बार और देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था बिब्लियोफाइल, जो किताबों से प्यार करता है, और यहां पर हम आपको बता रहे हैं जूफाइल यानी जो आपका जानवरों से प्यार करता है उसको जूफाइल बोला जाता है। दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करूंगा, जितने भी इम्पोर्टेंट थे, एनडीए, सीडीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, आरआरबी और इंडियन बैंकिंग सर्विसेज के लिए, पीओज में भी ये आते हैं। तो प्लीज अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों,
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।